अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो इको 401 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 के लिए है, जिसकी ड्यू डेट है 14 मई 2023 और टोटल मार्क्स हैं 10। ठीक है, इसमें हमें एक के जो है वो स्नैरियो दिया गया है और उसके हिसाब से हमें 3 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिनको हमने पूरा करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से आपको इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। इस वजह से हम मुकम्मल तरीके से इसको समझ के हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें केस जो सिनेरियो दिया गया है वो ये कहते हैं कि एक्स वाई जी एक कॉफी शॉप है जो एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे आसपास यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की। ठीक है, और ये एक कॉफी शॉप एक ऐसा पॉपुलर स्पॉट है लोगों के लिए, जहाँ पे लोग आते हैं स्टडीज के लिए, डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, और मतलब जो है वो इवन के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मतलब वहां से चाय वगैरह जो कॉफी वगैरह है वो मंगवा लेती है क्लासेस में भी। ठीक है, क्लासेस के लिए जाते वक्त वो एक कप चाय जरूर यहाँ से पी के जाना, और उसके अलावा स्टडीज करनी है तो वहाँ पे बैठ के डिस्कस करना, दिस दैट एंड ऑल, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी जगह पे वो कॉफी शॉप मौजूद है। अब उस कॉफी शॉप का ओपनिंग टाइम है 9 AM और उसका क्लोजिंग टाइम है 6 PM मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो शॉप है ये करंटली अभी जो इस वक्त है ये सेल कर रही है 2000 इसके कप जो है वो कॉफी के बिकते हैं एक दिन में, और एक कप की कीमत है 200 रुपये। ठीक है, अब जो ऑनर है कॉफी शॉप का वो ये कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पे जो प्राइस है मेरी कॉफी की वो मैं बढ़ा दूं 200 से 250 कर दूं। अब सिनेरियो ये है, तो अब जो हमारे पास डिमांड फंक्शन चल रहा है वो है क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 6000 - 20p। ठीक है, यानी हमें ये एक इक्वेशन भी दे दी गई है और हमें ये क्वेश्चन बता दिया गया है, सिनेरियो समझा दिया गया है कि ये हमें कहा गया है। अब इसमें से हमसे रिक्वायरमेंट्स क्या मांगी गई है, सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है उस प्राइस की जब प्राइस हो चुकी हो 250 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे शुरू के बिल्कुल मॉड्यूल्स में से आए हुए हैं, मॉड्यूल नंबर 6 मॉड्यूल नंबर 7 में से, जिन लोगों ने स्टडी की है उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी वाले टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो हमसे किया गया है, उन्होंने कहा है कि टोटल रेवेन्यू हमने बताना है प्राइस के बढ़ने से पहले वाला भी और बाद वाला भी, यानी कि जब प्राइस 200 थी तब हमारा टोटल रेवेन्यू कितना बनता था, और जब हमारी प्राइस 250 हो चुकी है तो तब हमारा टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने हमें ये भी कहा है कि हमारी प्राइस के इंक्रीज करने का टोटल रेवेन्यू जो है उस पर इफेक्ट क्या हुआ है पार्ट बी के रिजल्ट के बाद, हमने ये एक्सप्लेन करना है, यानी जब हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लेना है उसके बाद हमने क्वेश्चन सी में उनको ये बताना है कि प्राइस बढ़ने का हमारे रेवेन्यू के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है, किस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मेरा आपको जो है ये समझा, सिर्फ जो है वीडियो बनाने का मकसद आपको ये समझाना होता है कि हम हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। मेरा कतन ये मकसद नहीं होता कि मैं आपको मुकम्मल सोल्यूशन दे दूं और आप लोग उसे कॉपी पेस्ट कर लें और समझे नहीं। ठीक है, जो मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को समझें, ताकि इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपको किसी किस्म की मुश्किल दरपेश ना हो। तो सबसे पहले हमें ये पूछा गया है कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये है, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी नहीं है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी नहीं है, तो इसलिए हमें इस फार्मूला को लगाने से पहले पहले क्वांटिटी डिमांड की जो है परसेंटेज निकालनी है, फिर परसेंटेज जो है वो हमें प्राइस की चाहिए, उसके बाद हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारा जो डिमांड फंक्शन है कॉफी शॉप का, जैसा कि हमें यहाँ पे ऊपर बताया गया था, वो ये है क्यू डी इज इक्वल टू 6000 - 20p, ये हमें बता दिया गया था। तो हम इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे और इस इक्वेशन के हिसाब से हम पहले क्वांटिटी डिमांड 1 निकालेंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांड तब की जब प्राइस 200 थी। तो हम क्या करेंगे, अब प्राइस क्योंकि देखें पी का मतलब प्राइस होता है, तो 6000 हमारा एज इट इज आएगा इस इक्वेशन में, 20 आएगा, और 20 के बाद पी की जगह पे हम वो प्राइस लगाएंगे जो हमारी 200 थी जब हमारी अभी तक जो है, फिर हम क्या करेंगे 20 को जरब दी हमने 200 से और 4000 आ गया, और 6000 में से 4000 जो है वो माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 2000, यानी कि हमारी क्वांटिटी डिमांड तब की जब हमारी प्राइस 200 थी हमारी क्या है क्वांटिटी डिमांड 2000 है। इसी तरीके से हम जब 250 प्राइस हुई तब की क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे और हम यहाँ पे 200 की जगह 250 लिखेंगे और बाकी सेम वही है और हमारा आंसर क्या आ चुका है 1000 आ चुका है। अब हमारे पास क्वांटिटी डिमांड दोनों की निकल चुकी है और क्वांटिटी प्राइस एवरेज प्राइस तो हमें पता ही है, एक 200 और एक 250। अब हम ये फार्मूला जो है वो परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड के लिए निकालेंगे,
परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हमने पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी डिमांड माइनस पहली क्वांटिटी डिमांड बाय पहली क्वांटिटी डिमांड जरब 100। ये फार्मूला है परसेंटेज निकालने का। ठीक है, परसेंटेज में हम इसी तरीके से जो जो हमारे पास है 1000 माइनस 2000 बाय 2000 मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे। ठीक है, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, -50%। इसी तरीके से जब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो इसमें भी हमारे पास सेम फार्मूला है कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो इसको भी जब हमने हल किया, इस तो आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 25%। अब हम वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने शुरू में फार्मूला बताया था वो लगाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, -50% बाय 25% लगाएं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -2। यानी कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, -2। ये हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था और हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये फाइल जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है आपको अगर पीडीएफ में चाहिए तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट एक्स के फॉर्म में नहीं दूंगी। उससे क्या होगा कि एज इट इज स्टूडेंट सबमिट करवा देते हैं और फिर ज्यादा सारे स्टूडेंट्स का जब एक जैसा हो जाएगा बिल्कुल लिखा हुआ अभी, तो आप लोगों को पे जो है वो प्लेगरिज्म आ सकता है, कॉपी पेस्ट का मार्जिन आ सकता है और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए मैं पीडीएफ में दे सकती हूँ। पीडीएफ के लिए आप मुझे जो है वो आईबी कर लीजिएगा, आपको नंबर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस मैं मजीद अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने ये बताना है कि हमारा टोटल रेवेन्यू प्राइस बढ़ने से पहले और प्राइस बढ़ने के बाद क्या था। तो टोटल रेवेन्यू जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक दिन में हमारी कितनी कॉफी बिकती थी और उस वक्त प्राइस क्या थी। एक दिन में जब हमारी प्राइस 200 थी तो हमारे एक दिन में कॉफी बिकती थी 2000 कप। ठीक है, तो 2000 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 4000 रुपए। इसी तरीके से जब हम, ये हमारा पहला रेवेन्यू आ चुका है। उसके बाद हमारा दूसरा रेवेन्यू है जब हमारी 4 लाख, सॉरी 4 लाख है। ठीक है, उसके बाद जब हमने किया 2500 हमारी प्राइस हो गई, तो उसके बाद हमारी जो क्वांटिटी डिमांड थी यानी कि हमारे जो एक दिन में कप कॉफी के बिकते थे वो थे 1000। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेवेन्यू हो चुका है 2.5 लाख। यानी कि हमारा मुनाफा कम हो गया है प्राइस बढ़ाने से। अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये पूछा था कि हमने दूसरे क्वेश्चन की रोशनी में ये बताना है कि प्राइस बढ़ाने से हमारे टोटल रेवेन्यू पर क्या असर पड़ा। तो हम, आपको खुद भी समझ में आ रही होगी कि हमारा टोटल रेवेन्यू कम हो चुका है। तो यही चीज हमने ये बतानी है यहाँ पे कि जब हमने प्राइस इंक्रीज की 200 से 2500, तो इसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो टोटल जो रेवेन्यू था वो कम हो गया, वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो -2 पे पहुंच गई है, जो कि रिलेटिवली इलास्टिक है। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा चेंज करने से भी जो है हमारी क्वांटिटी डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसा कि हमने पार्ट बी में देखा कि जब हमने प्राइस जो है वो बढ़ाई तो हमारा 4 लाख से 2.5 लाख तक जो है वो आ गया, यानी कि हमें 1.5 लाख का नुकसान होना शुरू हो चुका है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जब हमने प्राइस बढ़ाई है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो चुकी है। तो ये हमने बस यहाँ पे लिखा, मैंने इसको यहाँ पे लिखा, आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लफ्जों को चेंज कर सकते हैं, इसको शॉर्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर का है। मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए लिखे ताकि सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से इसमें चेंजिंग कर सकें। तो ये था हमारा आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद भी आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा मैं अगेन बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे आईबी में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पीडीएफ की फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करूंगी, डॉक्यूमेंट एक्स की फॉर्म में नहीं, ताकि आप उसको एज इट इज जमा ना करवाएं बल्कि आप उसको खुद लिखें। उसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।